अब आपको दिल्ली के राजीव गांधी अस्पताल लेकर चलते हैं। वहां के ग्राउंड रिपोर्ट क्या है देखिए और हालात का अंदाजा लगाइए, साथ ही सावधान भी हो जाइए। पूर्वी दिल्ली के राजीव गांधी अस्पताल में हम लोग मौजूद हैं और भीतर मीडिया का कैमरा जाना अलाउड नहीं है। कैमरा देखते ही गार्डों की हलचल और बकायदा ऊपर से लेकर नीचे तक महकमे में फोन और उसके बाद हम लोगों की नो एंट्री का बोर्ड जो है हमें साफ दिखा दिया जाता है। लेकिन जो तस्वीर पेश आ रही है, जो परिजन यहां पर मौजूद हैं, उनकी आप बीती अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि आखिर कैमरा अंदर मना क्यों है। आपका मरीज है अंदर, किस तरह की स्थिति है, क्या सिचुएशन? मेरा ब्रदर जो है परसों नर्सिंग होम में शिफ्ट था, उसको हमने यहाँ पे परसों शाम को शिफ्ट कराया। अब वो कल सुबह से हमारे को जो है वो फ़ोन उसके आ रहे हैं और कल रात के पूरी रात मेरे पास वॉइस मैसेज और उसके मैसेज आ रहे हैं भी मेरे को यहाँ ना खाना दे रहे हैं और ना मुझे ट्रीटमेंट कर रहे हैं। दूर से जो आके सिर्फ फॉर्मेलिटी एक दूर से देख के चले जाते हैं और वो हमारे को रो रो के जो है मैसेज कर रहा है भी मेरे को यहाँ से निकालो, यहाँ पर कुछ इलाज नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, मुझे चाहे घर ले जाओ चाहे कुछ भी करो लेकिन मेरा यहाँ ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, ना मुझे खाना दे रहे हैं ना मेरा ट्रीटमेंट कर रहे हैं। सुनाइए जरा, वॉइस मैसेज भेज रहे हैं सर, मेरे घर के जितने भी फ़ोन है सभी के ऊपर वॉइस मैसेज उसके आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं। अगर आप कहते हो तो ये देखिए, अगले से बात भी नहीं की जा रही। ये रात को 3:30 बजे उसने मैसेज किया है। अच्छा, कह रहे हैं ले जाओ यहाँ से, वो कह रहे हैं ना यहाँ खाना दे रहे हैं ना मेरे को ट्रीटमेंट कर रहे हैं और मुझे तुमने यहाँ पे ला के कर दिया, मैं तो मर जाऊंगा यहाँ पे। कोविड पेशेंट है उसको जो है लंग्स में प्रॉब्लम है, निमोनिया आ गया उसके, तभी उसको नर्सिंग होम से यहाँ लेकर आए हम। आपका भी मरीज है यहाँ पर? वही है। अच्छा, साथ ही हैं। आप लोग भी साथ ही हैं? हाँ जी। तो लगातार मरीज से बात कर रहे हैं, परेशानी इस तरीके की है कि मतलब ले जाओ यहाँ। हाँ जी। एक वो आंटी आप सामने देख सकते हैं, महिला, वो बैठी हैं और उनका जो अंदर बच्चा है वो सामने कार में लेटा है, जगह उसको जो है नहीं मिल रही है, सिलेंडर वहीं लाकर बाकायदा लगाया गया है। ये स्थिति दिल्ली के अस्पतालों की है और शायद इसी वजह से जो अलाउड कैमरा है वो अलाउड नहीं है, अंदर आप जाके दिखा नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, एक्चुअल विजुअल जो है वो नहीं आप दिखा सकते, आप बाहर ही रह सकते हैं, यही वजह कहीं ना कहीं। जी आपके सर, मैं रात से प्रॉब्लम, मेरा पेशेंट 5th फ्लोर पे 14 नंबर बेड के ऊपर है, प्रदीप पारेश्वर जो क्या कहते हैं, मैं यहाँ पर परेशान हूँ और मैं अटेंडेंट को ही बोल रहा हूँ, एनओ को ही बोल रहा हूँ, कोई बंदा वहाँ नहीं जा रहा है और कोई रिपोर्ट नहीं मेरे को मिल रही है, कोई स्टेटस नहीं मिल रहा है, मेरा बंदा तड़प रहा है दर्द के मारे और वहाँ का जो इनका जो जिससे यहाँ से है हेल्प। मरीज से आपने, मरीज से फ़ोन पे बात हुई कि नहीं? मरीज से फ़ोन पे बात हुई है, मरीज तड़प रहा है और कह रहे हैं कि इलाज नहीं मिल रहा, देख नहीं रहा कोई आके? हाँ, मेरे को कोई नहीं देख रहा है, कोई नहीं देख रहा है, संज्ञान मरीज का नहीं ले रहे हैं। अधिकतर जगह शिकायत जो है वो सामने विंडो आप देख सकते हैं, वहाँ पर अलग जो आर्ग्यूमेंट करते हुए जो परिजन है वो दिखाई दे जाएंगे और यहाँ बाहर हृदय विदारक जो दृश्य है, जो एक लेडी है, जवान बेटा सामने गाड़ी में लेकर लाया गया है और लगातार ऑक्सीजन देने की कोशिश, बाहर सिलेंडर वहीं कार के पास ला के कर रहे हैं क्योंकि जो बेड की कमी है वो जग जाहिर है, दिल्ली के अस्पतालों में इस वक्त बेड की कमी है। दिन चढ़ते ही एम्बुलेंस के पीछे न्यूज़ नेशन की गाड़ी भी चली है, देखा भी है दर दर घूमते हुए। इससे पहले जीटीबी अस्पताल, उसके बाद राजीव गांधी अस्पताल जहां पर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, लगातार सुबह से ही मरीजों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है और व्यवस्था किस तरह की है वो आप देख सकते हैं। ये इनके मरीज जो पहुँचे, एक बार इनसे भी कोशिश करते हैं बात करने की। सर, क्या ट्रीटमेंट मिल पा रहा है मरीज को? ये कुछ नहीं, गाड़ी से नहीं उतारा, ट्रीटमेंट कहाँ करेंगे ये? क्यों पता नहीं साहब, हम तो डॉक्टर को बहुत रिक्वेस्ट कर ली, हाथ जोड़ लिए, रोवा पीटी कर रहे, कोई सुन ही नहीं रहा, गाड़ी में ऑक्सीजन लगा दी, गाड़ी से नीचे भी नहीं उतारा, उसमें भी अंदर हॉस्पिटल में भी एडमिट नहीं हुआ। क्या क्या कह रहे हैं? पता नहीं, दोनों कह रहे वो भी कुछ, वो कोरोना टेस्ट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये प्रॉब्लम क्या है मरीज को? मरीज को जी सुबह अचानक से ही चक्कर आकर घर पे गिर गया था, बेहोश हो गया, तो उसको लेकर हम यहाँ तुरंत आए। अब ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया गया? हाँ जी, गाड़ी में ही लगा रखा। बेड क्या बता रहे हैं, या नहीं है बेड का जी? हमने भी पता नहीं करा, हमें इतना उछाण ही नहीं पड़ रहा, हमारा जवान भांजा है, हमारे जितना हम होश खो गए बिल्कुल उसका होते ही, कमाने खाने वाला एक ही था घर में, उसी के सारा घर चल रहा था, सरकारी जॉब लगी थी अभी। जवान लड़का है, अंदाज़ा आप लगा सकते हैं और इसी तरह की सबकी कहानियाँ अलग अलग हैं।
इसी तरह की सबकी कहानियाँ अलग अलग हैं। सामने जो लेडी हैं फ़ोन पर बात करती दिखाई दे रही हैं, उनके पति यहाँ एडमिट हैं पुरानी दिल्ली से, वो भी यहाँ पर कई जगह घूमने के बाद यहाँ पहुँची हैं यहाँ पति को लेकर। और इस तरह की तस्वीर जो है अमूमन दिल्ली के अस्पतालों में दिखाई दे रही है। वीडियो जर्नलिस्ट जैनेन्द्र के साथ सूरज अरोड़ा, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। आप सोचिए, किसी भी अस्पताल में चले जाइए, वहां पर आपको चीख-पुकार मचाएगी। लोग अपने परिजन को लेकर आ रहे हैं, उनके घर के लोग अंदर अस्पताल में एडमिट हैं। बहुत सारे लोग इस बात की शिकायत कर रहे हैं, ट्रीटमेंट कैसे हो रहा है उन्हें पता नहीं चल पा रहा, रियल टाइम अपडेट नहीं हो रहा, वो अंदर जा नहीं सकते। बहुत सारे लोग ऐसे पहुंच रहे हैं जो एडमिट तो करवाना चाहते हैं लेकिन अस्पताल दर अस्पताल उन्हें इसलिए घूमना पड़ रहा है क्योंकि बेड्स की कमी है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है। ये सारी समस्याएं, भीषण स्थिति में कोरोना, लगातार हर दिन नए आंकड़े, डराने वाले, दहशत पैदा करने वाले, रूह कपा देने वाले। इसीलिए एक बार फिर अपील आपसे, सतर्क रहिए क्योंकि यही सुरक्षित रहने का फिलहाल एकमात्र तरीका है।